क्या इतना चुप करके बैठ गई जिस दिन से लूट के खाया उसने, हमें गले काटे हैं, हमारे कमीशन खाई है। और खासकर ये चार जो लोग इसके साथ हैं, ये कमीशन एजेंट हैं, इन्होंने इस जब ये इलेक्शन हुई इन्हीं के द्वारा गाड़ियां भेजी गई। आप रिकॉर्ड निकालिए अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं। पुलिस को चाहिए इन चारों लोगों का देखिए कितनी कितनी गाड़ियां इन्होंने इस इलेक्शन में भेजी थी और उनके पीछे ये वो झगड़ा था जो सुबह बस स्टैंड में हुआ था कहीं ना कहीं। आज इसके ऊपर पत्रकार वार्ता भी हुई और लोग ये इनका ये आरोप है कि जो चुनाव इलेक्शन जो है शाम रोड की गाड़ियों की जो प्रधान है वो चुनाव जो था वो होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को किसने बना दिया हेड कि किसी भी गाड़ी का जाके ये रूट रोक सके। अब रूट रोका है यानी कि गाड़ी को रोक लिया है, आखिर कर क्यों रोका है, कारण क्या है, आज पुलिस के पास भी गए सुबह, हल्ला भी हुआ और उसके बाद किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने सीधा सीधा जो इस वक्त प्रधान है उनके ऊपर आरोप लगा दिया है और आरोप क्यों लगाया है, कारण क्या है, चलिए जानते हैं इनसे। आखिरकार पुलिस पहुंची थी मौके पर, बस स्टैंड का वाकया था, आखिरकार हुआ क्या था, चाहते क्या थे ये लोग, चलिए इनसे जानने की कोशिश जो है वो करते हैं। आखिरकार बात हो क्या क्या सर, हम पक्की गाड़ी नहीं चल रहे, पक्की गाड़ी हमारी ये है, अगर गोल चार्ट लगाओ चार्ट गोल चार्ट हो इनकी गाड़ी भी चलेगी, इनकी गाड़ी भी चलेगी, मेरी भी चलेगी, इनकी भी चलेगी, हाँ इनकी पक्की चलती है, एक पक्की आती है, बगैर परमिट ही गाड़ी चला रहा। मेटाडोर वालों का प्रधान जो है जिला के अभिजीत सिंह, हाँ उसकी गाड़ियाँ उसने लाई हो बाहर से गाड़ियाँ, उनका परमिट बिल्कुल नहीं, एक गाड़ी का भी परमिट नहीं है, लेकिन वो हाँ वो लिस्ट आपको तो हमारा यहाँ 8-7-8 साल से है कि यहाँ प्रधान की कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे ये ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हमारी छम पैसेंजर सर्विस यूनियन है, और ये हर समय कोई ना कोई बहाना बना के एक दूसरे, तीन चार बंदे हैं, चार पांच बंदे ये ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को फूलों की माला डाल के ये बता देते हैं कि हम प्रधान हैं, एक दूसरे को बना देते हैं प्रधान और वही ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में, हम प्रधान हैं। इसी रैकेट को हम तोड़ने के लिए आज ये इकट्ठा हुए हैं। ये रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है, स्कैंडल्स है, इन्होंने बहुत खत्म किया हुआ हमारे सारे ट्रांसपोर्टरों को। ये पैसा चलान की तरफ, चलान से ये पैसा लेते हैं, तीन तीन चार चार रुपए एक एक बस का लेते हैं रोज का, ये 20-25 हजार रुपया रोज का इनका इनकम बनती है, ये कहाँ छोड़ेंगे ये कुर्सी। ये जेडीए को पैसा नहीं भरते, जेडीए में इनका 35-35 लाख रुपया जो है, बिल्कुल सबकी छम एरिया में हमारी गाड़ियां चल रही है, और ये हर समय हमें ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, ये बर्डन बना रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टरों पे। ट्रांसपोर्टर्स की तो ऑलरेडी आपने देखा कि दो गुट जो है वो हो चुके हैं, एक साइड अलग हो गई, दूसरी साइड अलग हो गई। हम उस उन गुटों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम मेन मुद्दा है हमारा इलेक्शन का, वो उनका अपनी अपनी परेशानी है, इलेक्शन हो मेन मुद्दा है इलेक्शन का बस, और कोई भी आए फिर उनका वो मोटिव है वो किसको वहाँ चेयरमैन बनाए, हमें कोई मुद्दा नहीं है चेयरमैन, हमें मुद्दा है इस टाइम खाली हमारा इलेक्शन होना चाहिए। जो ये भारत भूषण सेल्फ स्टाइलेड जो है बदमाश बना हुआ पूरे छम्ब एरिया में, ये बहुत बड़ा बदमाश है, इसको अप्रोच में इसने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को भी लिया हुआ है, इसने अप्रोच में इसकी अपनी बहन जो है वो जज बनी हुई है, कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं, अगर उधर से कोई फायदा होता तो कोर्ट का ऑर्डर मंगवाते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करना है तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये करवाते हैं, फोन करवाते हैं और हमें प्रेशर में डलवाते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमें ओपन होना है, चाहे जहां से भी ये करे हम सच्चाई को साथ देंगे, और इसके जो पोस्ट इसने लिया हुआ है इसको छुड़वा के
इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवा के जो जायज तरीका है उसी तरीके से इनको कुर्सी पे बिठाएंगे और सिस्टम जो है जो पहले चलता आया था उस सिस्टम को बहाल करके हम ट्रांसपोर्टर जो एक एक दो दो गाड़ी वाले मालिक है वो चलाएंगे, तब हम बच जाएंगे। हम SHO के पास जा रहे हैं, SHO को हम आग्रह करेंगे कि भाई आपने जो गाड़ियां गलत चल रही थी, प्रधान की चल रही थी, उनको आपने क्यों नहीं रोका, उनको आपने सीज क्यों नहीं किया, वो बंद रखना था। जो गाड़ियां चल रही हैं सीज, वो गलत तरीके से चल रही है ना, वो बिल्कुल गलत चल रही है, वो हमारे फायदे के अनुसार थोड़ी चल रही है, वो रूट के अनुसार थोड़ी चल रही है, वो चल रही है ऐसे फोरलो में चल रही है। हमारी गाड़ियां खड़ी है, आप अड्डे में जाइए, वेयर हाउस में जाइए, हमें पार्किंग स्टैंड हमें मिला है, हमारी गाड़ियां एक एक दो दो दिन गाड़ी खड़ी रहती है। इसकी गाड़ी पलावा से आती है, फिर से यहाँ से नंबर लेके चली जाती है, कैसे, किस हिसाब, किस हक से वो जाती है, हमारी गाड़ियां देखती रहती है, हमारे ड्राइवर देखते रहते हैं, वो बोलते हैं आपने चूड़ियां पहन रखी है क्या, आप कर नहीं सकते, आप बोल नहीं पाते हैं कुछ। आज वही चूड़ियां हम निकाल रहे हैं और हम इधर आए हैं उन चूड़ियों को तोड़ने के लिए, और ये सारा सिस्टम जो है इस सिस्टम को बहाल करने के लिए हम इन्हें अहद लिया, सारे ट्रांसपोर्टर ने हम इस चीज को करके रखेंगे। तो सर चाहते क्या, इलेक्शन हो, इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, हमें छम ग्रुप का इलेक्शन चाहिए किसी भी सूरत में। और ये इस किस्म का बदमाश है, ये कोई ना कोई स्कैंडल करवाएगा, किसी न किसी को मरवाएगा किसी न किसी तरीके से। इसने पहले भी एक बार ऐसा ही स्कैंडल किया हुआ है, 15 साल पहले इसने एक प्रधान था यहाँ, अशोक जी प्रधान बने हुए थे, उससे इसने अटैक करवा दिया उस टाइम इधर बस स्टैंड में। ये ओपनली मैं बोल रहा हूँ, आज सबके सामने प्रेस में बोल रहा हूँ, ये उसमें केस इसको चल रहा है, वो केस भी इसको, वो केस भी ओपन होना चाहिए कि भाई तूने कैसे, तू इतना बदमाश होके कैसे तू फिर से ये कर रहा है, तो वही वही हालत ला रहा है छम ग्रुप को।